हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे मेरा बालम थानेदार की, जिसमें वीर को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहां से वो तो देख सकते हैं बुलबुल को, पर बुलबुल उन्हें नहीं देख सकती है, ना ही उनकी आवाज सुन सकती है। लेकिन तब भी वो उसको आवाज देते हैं और बुलबुल को महसूस होता है कि जैसे वीर उसे बुला रहा है और वो बहुत उसके करीब हैं। तो चलें इस पे बात करते हैं। जी, तो जैसे कि मीठी माई जो है उन्होंने उसको बंद कर दिया है वीर को, और वो कहती है कि तुम तो उसको देख पाओगे पर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी, वो तुम्हें नहीं सुन पाएगी। और जहाँ पे बुलबुल का ऐसा फील होता है कि उनके जो थानेदार साहब हैं वो उनके करीब ही हैं और वो महसूस कर सकती है, तो क्या बोलोगे आप इसके? बुलबुल को बहुत टाइम से, एटलीस्ट सिंस द प्रॉम नाइट, शी हैज बीन फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। एंड उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है कि तानेदार साहब के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। एवरीथिंग एक के बाद एक उसके सामने कुछ ना कुछ तो ऐसा आ ही जाता है जिसकी वजह से उसके मन में जो शक है या जो डर है वो ज्यादा गहरा होता जा रहा है, उसको ज्यादा उस चीज के ऊपर विश्वास होता जा रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पे जब ये चीज हो रही है और उसको एहसास हो रहा है कि वीर इज समवेयर क्लोज बाय, आई थिंक इट इज गोइंग टू गेट मोर स्ट्रॉन्गर। उनके जो फीलिंग्स है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज रॉन्ग, खानेदार साहब को कुछ हुआ है। एक तो उनका जो ब्रेसलेट था जो उन्होंने बुलबुल को प्रॉमिस किया था कि वो उनके हाथ से कभी नहीं निकलेंगे, और अगर वो ऐसे आपको मिल जाता है निकला हुआ, मतलब पड़ा हुआ, बी वेरी श्योर दैट समबडी हैज टेकन इट आउट और समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। सो ऑलरेडी उसके दिल में वो बात है, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। हमने बहुत बार देखा है कि बुलबुल किस तरीके से वीर की मदद करने पहुंच जाती है। नोइंगली तो वो करती ही है, बट अननोइंगली ऑल्सो शी इज डन सो मेनी टाइम्स दैट पीपल वुड नॉट रियलाइज इट, बट शी इज डन इट। सो हियर हाउ शी इज गोइंग टू डू दिस When she realizes that something is wrong, that he is not where he supposedly, लोग बोल रहे हैं ना कि सीक्रेट मिशन पे है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बात जब उसके सामने आएगी तो वो किस तरीके से डील करेगी और किस तरीके से अपने थानेदार सब को बचाएगी एंड ऑल दैट, देखने में बड़ा मजा आने वाला है। आई थिंक दिस ट्रैक इज क्वाइट गुड और पोटेंशियल भी है, देखने में भी मजा आ रहा है। बट थोड़ा मुझे लगता है कि पेस पिकअप करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा खींच रहा है, बट सो लेट्स सी। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं, क्योंकि ये तो यकीन है कि बुलबुल ढूंढ ही लेगी अपने थानेदार साहब को, और वही है जो उन्हें हेल्प कर पाएगी। तो देखते हैं कैसे होता है, किस तरह से ट्रैक आगे जाता है। अगर आपको हमारे छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें मेरा बालम थानेदार ऑन कलर्स टीवी। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Falaknath and you guys are watching me on Glitz Vision USA.